oss om dette. बॉईल करने के लिए देते हैं जो फटाफट हो जाएगा, लेकिन वो झुश करके दूध एक मस्त चीज है, वही तसल्ली देता है। दूध गिरना अच्छी बात है। ये छेना बना लिया। शांतनु ऑफिस से आएगा तो खा लेगा। मैं यहाँ पे ढक के रख के जाऊंगी, ढक देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे खुश रहना, हैप्पी रहना, दिल से बंधु रहना, दिमाग से स्मार्ट रहना। और शांतनु के लिए छेना बना के जा रही हूँ। शांतनु का आते लेट होगा और मेरा एक काम था, बांद्रा जाऊंगी और स्वीटी तो अपने पीछे तो है ही। और लेकिन हाँ, काम तो मैं मंडे के जाने वाली थी, लेकिन स्वीटी ने बोला नहीं नहीं चलो, पापा ने शांतनु ने कुछ बोला है, उसको दो चीज़ चाहिए, तो इसीलिए मैं सोचा ठीक है चलो, आज सैटरडे है, ऐसे भी शांतनु का ऑफिस से आते समय लेट हो जाएगा, तो मैं करके आ जाती हूँ। 2-3 घंटा में आ जाऊँगी। अभी 3:15 बज रहा है, 3:15 जाने वाली थी 2 बजे, स्वीटी का स्कूल ही खत्म हुआ 2 बजे, इसीलिए प्लान किया था। देखो देखो, कल बोला था मैंने, उल्टा हो गया। तो तुमने बोला कि सुबह काम था, खत्म हुआ सेम टाइम। कल बोला था क्लास खत्म होगा 12 बजे, तो तुमने बोला ठीक है चलो सैटरडे है चली जाऊंगी, लेकिन उसके बाद 2 बजे खत्म हुआ क्योंकि स्टार्ट लेट करके हुआ। अरे दूध आछे तुम्हारे जो छाना आलदा करे कड़ा आछे, जतटा पड़बे ततटा खेई निबे। আর আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ 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 আচ্ছা হ্যাঁ হ্যালো। আর তুমি কিছু তো হাত দেবে না বলে দিচ্ছি। শান্তনুকে সমঝা কে জানি ক্যা ক্যা করনা হ্যায়। সুইটি কা মোবাইল, মেরা মোবাইল কিউ নেই চল রা পতা নি। সুইটি ইয়ে বালা বহুত আচ্ছা লাগা, ইয়ে সুয়েট শার্ট টাইপ কা হ্যায় ক্যা? আচ্ছা পাতলা, ইসমে কালার নেই হ্যায়, ইসমে হোগা। स्वीटी एटा ग्रेट है, हाँ ना बैंगलोर? यस। मैं पहले गई थी सांता क्रूज, वहाँ से ऑटो चेंज करके फिर से बांद्रा हिल रोड आई हूँ क्योंकि वहाँ पे कुछ काम था, तो वो 2 मिनट में हो गया। तो यहाँ पे आके अभी स्वीटी को नाइट ड्रेस वगैरह, टी शर्ट वगैरह वो सब देखना है, क्योंकि हिल रोड में इस टाइम पे बहुत अच्छा अच्छा ड्रेस मिलता है, बहुत रिजनेबल प्राइस में भी मिलता है, और यहाँ पे बच्चों का भी। उल्टा तरह वाओ की क्यूट। स्वीटी तो आई है स्ट्रीट शॉपिंग करने के लिए। साइज ठीक है, कमर का इलास्टिक देखना, यही कलर का स्वीटी। लेकिन और यहाँ पे भीड़ भी बहुत था, लेकिन वही फटाफट ले लिया। और शांतनु के लिए बेसिकली आई थी मैं, क्योंकि शांतनु का टी शर्ट वगैरह चाहिए था और उसको गेंजी जंगिया चाहिए, मतलब बनियान वगैरह चाहिए था, लेकिन मैं अंदाजा से लेके जा रही हूँ क्योंकि देखो देख के समझ में तो आता है, लेकिन उतना थोड़ी आता है जो क्या है। छोटी अभी ज्वेलरी देख रही, ये वाला पसंद आया बाबू, ये वाला अच्छा लग रहा है। सिटी एंग्री बर्ड, क्यूट एंग्री बर्ड, किधर है एंग्री बर्ड? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा भैया ये? ये वाला 100 होगा। इधर का एक कलर का कुछ सुंदर लग रहा है। बड़ा थंडर नहीं होना बाबा। ना। लाइफ है थंडर हुई है। थंडर पावरफुल है। हाँ। इधर देख, इधर इधर। लिप, 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 लिप। इधर इधर, पर्पल कलर। सिटी इधर देख, इधर। ফ্লাওয়ার ওয়ালা আছে সিটি, ফ্লাওয়ারটা দে পিজা। बहुत जल्दी जल्दी अंधेरा हो रहा है और मैत्री बोला कुछ बना के रखी है, उसने बोला कि जितना हो सके छेना खा लेना और रेस्ट लेना, मजे करना। चलो मजे करते। दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करके उसके बाद उसमें ग्रेटेड लाल गाजर दिया गया है। पूरा पानी सूख जाएगा तब तक ये अभी कुक होगा। पानी जब एकदम बहुत कम हो जाएगा उस समय में दे देंगे उसका शक्कर स्वाद अनुसार। बांद्रा हिल रोड जो आते हैं उनको समझ में आ गया होगा मेरा हालत, इधर उधर देखते देखते और याद भी नहीं था घर जाना है, मतलब देखना स्ट्रीट साइड शॉपिंग करते हमें घड़ी का तो ध्यान नहीं रहता, उसके बाद घड़ी में देखो अरे बाप रे 6:30 बज गया, अंधेरा भी हो गया, फटाफट देख लेते हैं उसके बाद घर चलते हैं बाबा, नहीं तो लेट हो जाएगा। कितना क्यूट लगेगा,
अंदर पूरा सज गया और क्रिसमस ट्री। वाह, क्रिसमस के लिए तैयार। You don't wanna talk anymore. I wanna get so numb, wanna get so numb. Are we enemies? No, you don't mind the way I stutter my words. ये है स्वीटी का पर्दा। काटू कैसे? Happy birthday to you. It's pie. Pie हाँ। स्वीटी में एंजॉय कर रही है क्योंकि स्वीटी ने मुझे कुछ की खिलाया नहीं। मेरा पेट में मैं एक एप्पल खा के गई। है कुछ है बहुत है। है शांतनु के नहीं लाया है, लाया शांतनु के लिए ही लाया है स्पेशल, वो तो दिखाते है। हाँ इसके साथ ये ब्राउनी है, ये इसके के लिए गई थी ब्राउनी और शांतनु को केक चाहिए था, लेकिन केक प्लम केक चाहिए था जो क्रिसमस केक होता है ना, शांतनु को बहुत पसंद है, हम लोग खा लेते हैं ऐसा वाला। मुझे बहुत पसंद है। छत्ता नहीं लेनी चाहिए। नहीं, अरे ना रे, उसका पाउडर शुगर दिया। ये वाला बड़ा वाला ले रही थी तो, लेकिन एक्सपायरी डेट 12 तारीख मतलब कल का था, इसीलिए मैंने सोचा नहीं बड़ा वाला बाद में जब आएगा फ्रेश वाला तब लेंगे ये वाला। और एक लोकल स्टोर मतलब जो होममेड होता है ना उनके पास से लिया। कढ़ाई में थोड़ा सा घी दिया, काजू और आलमंड्स को थोड़ा सा फ्राई करूंगी। गाजर बॉयल होने के बाद इस तरह से ड्राई कर लिया था एकदम। थोड़ा सा घी दिया है, आप बहुत ज्यादा डाल सकते हो लेकिन मैं कम ही डालती हूँ, और डिपेंड करता है सबका पसंद। शांतनु का फेवरेट चीज विंटर का जो बन रहा है, ये इसके एकदम अलग प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर शांतनु को बहुत पसंद है। कोई कोई होता है ना पहले आप घी पे फ्राई करके डाल सकते हैं, लेकिन शांतनु को ये वाला प्रोसीजर ज्यादा पसंद है। और ये अभी थोड़ा सा भुनने के बाद जो एक खुशबू आएगा मतलब भुनने के, अब घी देखो मैं घी और भी दे रही थी लेकिन इतना से उठा के रख लिया। घी जितना डालोगे उतना तो ऑब्वियसली घी में क्या नहीं टेस्ट आता है। ये रीमा ने मुझे पहली बार खिलाया था, वो भी हमारे शादी फिक्स हुआ था तब रीमा हमारे घर गए थे, मतलब तब शादी नहीं हुआ था, रहने के लिए कुछ दिनों के होता है ना, तो मतलब पता नहीं उसके बाद रहना होगा या नहीं। एक्चुअली ये रेसिपी मम्मी ने वहाँ पे हम लोग एक आंटी रहती थी पंजाबी आंटी, उनके पास से मम्मी ने सिखा था। शांतनु को खोया वाला पसंद है, मुझे भी उतना पसंद है, रिच होता है ये बहुत, ये तो बहुत ज्यादा खा लेंगे, इसलिए जब भी बनता तो रीमा का याद तो आता है क्योंकि शादी से पहले वो मुझे खिलाई थी जब बहू नहीं बनी थी तब। ड्राई फ्रूट ये अभी मिक्स किशमिश भी डाल सकते हो आप। किशमिश रीमा ने किशमिश और काजू डाला था, तो इस तरह से पहले भगवान को चढ़ाते हैं। आगे अभी घिसाई में जाए। खाना बना के सोचा तो जाऊंगी लेकिन जो बनाने वाली वो जाके बना के जाके कोई फायदा नहीं, ग्रेवी भी होता। बहुत दिन खाया नहीं है इसलिए बोला कि आज यही वाला बनाओ। सुबह बोल रहे थे ऑफिस से रेडी होने के टाइम, मन कर रहा था बहुत दिन, वो राइस खा कर के पक गया था। इस तरह से एक स्टूल लाया, ये जो स्वीटी का रूम पर रहता ना बड़ा किचन पे, तुम कैफे में खाना बना रहे हो? हाँ, तो करूंगी ना कमर पे, इतना स्वीटर चलाया इतना चलाया। मैं गई थी शांतनु का सामान खरीदना, वो तो उसका लिस्ट बना के रखा था, बना के रखा था ना कि तुमने भी तो खरीदा कुछ, तो लूंगी ना, ये रिफंड में थोड़ी जा रही हूँ। आके कमर पे दर्द नहीं हो रहा उतना देर खड़े रहने से? की मैं जीरा देने के बाद कॉलीफ्लावर और ग्रेटेड गाजर कच्चा मटर को थोड़ा सा मिक्सी में ग्रूर कर लिया, कुटी हुई जिंजर और ग्रीन चिली, अंदर से सॉल्ट, थोड़ा सा पानी देके इसको अभी ढक ढक के पकाना है। भून भून के पक गया, इसमें बॉयल्ड पोटैटो और चॉप्ड धनिया, और इसको देके जस्ट 2-3 मिनट पका के इसको अभी ठंडा करना। बहुत ही बेस्ट है बाबा, मिर्ची है। और यहाँ पे इसको ठंडा कर लिया, अभी चीज जो भी चीज आपको पसंद है, प्रोसेस चीज, मैं मोजरेला चीज जो घर पे रहता है उस हिसाब से इसको देके मिक्स करो। Tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. It's every night, world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile. What is it that you do? चले पे नमक चिढ़ा गया शांतनु। पराठा बनाने का मेथड नहीं अभी उसको टूथपेस्ट मिल गया देखा तो एकदम
मुझे तब जला तो तुम्हारे क्या टूथपेस्ट आ गया इसलिए जला। मैंने नहीं जलाया पहले, ऑनेस्टली बोला पूछो उससे। देखो इसने फ्राई किया, पराठा फ्राई किया। बेल रही थी, मैं बोला एक बार उलट के दे। ऐसा उलट है तो, मतलब घी देने के बाद उसको धप। और तो खुद ही क्या किया था उस दिन, देखा किधर है तवे पे, तवे पे है। उसके ऊपर टूथपेस्ट कहाँ लगाया, मतलब समझ में खुद को आया नहीं, मतलब टूथपेस्ट कहाँ कहीं इधर लगाया था। अच्छा मतलब उसको मालूम ही नहीं है कि कहाँ पे जल रहा है। असली चीज चड्डी बनिया वो तो नहीं, चड्डी बनिया ना केक, केक केक असली चीज तो चड्डी बनिया ना। ऑफिस जा रहे थे चड्डी बनिया ना, बेचारा का फटा हो गया। सांत्वना साहब चलो चलो कुछ तो मदद हो रहा है मेरा। हाँ आप लोग गाजर का हलवा विंटर का स्पेशल पहला। अरे ये विंटर में ये नहीं खाया, पिछले साल खाया नहीं था शायद। तो क्या खाया? हाँ अगर ये नहीं खाया तो जिंदगी अधूरा। और मेरा पैर ना फूल एकदम सूजी के एकदम, ये करके बना सोचा एक ही बार में सब कुछ हो जाएगा। हाँ तो देखो ना है ना, इधर चलो उधर चलो, अभी वो भी छोटा बच्चा है घर पे रह के, बेचारा नानी से जान है। एक बार गुस्सा भी आता है उसके ऊपर, एक बार क्या बेचारा देखो बेचारा जैसा लगता है। हमारे कमर खूब फायदा करते, किच्चू करा नहीं मतलब मेरा कमर पर बहुत तरह से दर्द होता है, लेकिन तेल लगा ही चल रहा है, क्या करे। You will take over my mind। गाजर का हलवा, उसके साथ पराठा, उसके साथ चटनी, और कुछ मिसिंग है। Isn't that good enough, changing my mind। पहले गाजर का हलवा, सांतर का स्टाइल ये ना खाया तो ये ऑसम होता है। इसका खुशबू अलग होता है ना। मतलब पहले कोई का घी देके फ्राई करके बनाता है ना, वो अलग होता है। और ये मिक्स वेज पराठा, ये रेसिपी सांतनु का है, मतलब मेरा रेसिपी चटनी रेसिपी चटनी है। मतलब रेसिपी होता है ना किसी किसी का, अभी सबका थोड़ी रेसिपी होता है। इसमें मैंने मोजरेला चीज दिया, इसलिए साइड से फट फट के निकल गया। और जिसमें ज्यादा स्टफिंग है खोल के दिखा। इसमें मोजरेला चीज दे रहे हो तो सेकने के टाइम बी केयरफुल, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है वो, साइड से निकलता है थोड़ा चटनी के साथ। और चटनी मिक्सी में बांटना इतू सा लग कर गया था उस दिन, इसलिए मैंने सिलबट्टे में जीभ में पानी आ रहा है। कैसा बना? जबरदस्त। तो आज हमारा यहाँ पे है क्योंकि डाइनिंग टेबल पे बैठने का हालत नहीं है मेरा, पेन हो रहा, बैक पेन, लेग पेन। ये हलवा तो जरूर ट्राई करना, मस्त, सब भी ट्राई करना, लेकिन इसका कुछ तो। हाय तुम कौन हो? मैं मसाज कर रही हूं। तुम बिल्ली हो? नहीं ऐसा वीडियो किसी प्रोड्यूसर पे अच्छा लगा लाइक जरूर करना, मेरे चैनल पर नए फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करना। अभी मिलेंगे कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।